भारतीय रेलवे तमाम ट्रेनों में अब पावर कार हटाने का कार्यक्रम शुरू कर चुकी है, और जो पावर कार हटेगी उसकी जगह जो डिब्बा लगाया जाएगा वो डिब्बा इसी तरीके का होगा। ये डिब्बा तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं कि पावर कार की जगह अब ये डिब्बा तमाम ट्रेनों में लगेगा। और इस समय की अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन एक दर्जन से ज़्यादा ट्रेनें हैं जिनमें पावर कार हटाई जा चुकी है और उसकी जगह इस डिब्बे को लगाया जा रहा है। यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके का डिब्बा होगा। पावर कार में कोई भी व्यक्ति सफ़र नहीं कर सकता क्योंकि उसमें जेनसेट होता है। अब जब नई टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी के तहत अब इंजन से सीधी सप्लाई पूरी ट्रेन को होगी, यानी पावर कार की ज़रूरत नहीं है। तो पावर कार की जगह जो डिब्बा बनाया गया है, जो डिब्बा डिज़ाइन किया गया है उसको आप देख सकते हैं। इसमें लगेज यानी पार्सल के लिए 3.9 टन का स्पेस बनाया गया है, यानी इससे रेलवे रेवेन्यू कमा सकेगा। तमाम जो पार्सल चलते हैं उसकी जगह बनाई गई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उस जगह पर पार्सल रखे जा सकते हैं। तो यहाँ हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं तमाम प्राइवेट कंपनियों को ये जगह दी जाएगी जिससे रेवेन्यू कमाया जाएगा। और अब हम आपको दिखाते हैं दिव्यांग जन के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है। तो जो पावर कार हटी है उसमें एक हिस्सा उसको दिव्यांग जन के लिए आरक्षित रखा गया है। और ये जो डिब्बा है ये डिज़ाइन किया गया है आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना रायबरेली में। और यहाँ पर आइए हम आपको अंदर दिखाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो दिव्यांग जन हैं उनके लिए स्पेस ज़्यादा है, यहाँ पर व्हील चेयर को लगाया जा सकता है, जो स्पेस आप देख रहे हैं, और दोनों सीटों के बीच में भी स्पेस अच्छा दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दिव्यांगजन हैं उनके बैठने की व्यवस्था है, यानी यहाँ पर हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। और जिस तरीके से 4 बर्थ यहाँ पर दी गई हैं उसमें बैठने की व्यवस्था की अगर हम बात करें तो 6 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, यानी दिव्यांगजन और उनके साथ आए लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि दिव्यांगजन के लिए और क्या किया गया है। तो निश्चित तौर पर ये जगह देख सकते हैं कि बड़ा स्पेस दिया गया है, यानी व्हीलचेयर यहाँ पर रखी जा सकती हैं, और तमाम व्हीलचेयर मतलब 4-5 व्हीलचेयर तो यहाँ पर आ ही सकती हैं। और साथ ही साथ हम आपको दिखाते हैं कि जो दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए खास ज़रूरतें होती हैं, तो उन ज़रूरतों को कैसे पूरा किया जाएगा। तो टॉयलेट की अगर व्यवस्था देखें तो टॉयलेट उनके लिए खास अलग तरीके का दिया गया है। ये देखिए, और जो दिव्यांगजन है उनका ख्याल रखते हुए यहाँ पर उनको पकड़ने के लिए, यानी वो बैठ के यहाँ पर अपनी स्थिति स्टेबल रखें उसके लिए भी यहाँ व्यवस्था की गई है, उठ सकें उसके लिए भी जगह जगह रेलिंग दी गई है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं दिव्यांगजनों का खास ख्याल रखते हुए अब हर एक ट्रेन में इसी तरीके की व्यवस्था होगी, यानी ये स्पेस दिव्यांगजनों के लिए है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि जो बाकी स्पेस डिज़ाइन किया गया है वो किस तरीके का है। तो यहाँ पर 31 और ज़्यादा सीटें बन पाएंगी, यानी 31 लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई। यहाँ पर अभी काम चल रहा है तो तमाम लोग इसकी सफाई में लगे हुए हैं। तो यहाँ 31 सीटों का इंतजाम किया गया है, यानी पावर कार में ये एक्स्ट्रा सीट्स होंगी, यानी एक्स्ट्रा लोग बैठ सकेंगे। यानी रेलवे इस जगह से भी पैसा कमा सकेगा, साथ ही साथ लगेज से भी पैसा कमा सकेगा, और इनके लिए अलग से टॉयलेट भी है। और ये जो डिब्बा बनाया गया है आधुनिक रेल कारखाना रायबरेली में बनाया गया है, आइए हम आपको एक दूसरा हिस्सा दिखाते हैं। यानी पावर कार में 3 हिस्से हैं, तीसरा हिस्सा जो है गार्ड के लिए है, और ये गार्ड रूम है। यहाँ पर गार्ड अपनी ड्यूटी देगा, तो गार्ड के लिए खास व्यवस्था की गई, उसके लिए अलग से टॉयलेट है, और तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं जिस तरीके से गार्ड की ज़रूरतें होती हैं। बैठने का भी स्थान है, और यहाँ आप देख सकते हैं ब्रेक पाइप और तमाम जो उसकी ज़रूरतें होती हैं उसको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर उसका सामान रखने का इंतज़ाम है, यानी गार्ड के लिए सामान रखने का इंतज़ाम है। साथ ही साथ यहाँ पर तमाम पावर स्विचेज हैं, तमाम कंट्रोल्स यहाँ पर हैं,
तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो चीज़ें हैं वो अलग